to everyone, and you are most importantly welcome to the platform of Prida Legal Star, that too with the GST and taxation. Guys, aaj hai 1st October 2021, a very important day. Reason behind that is ki 30 September 2021 ke antargat raat ke waqt kuch important aise notifications aaye jinko dhyan rakhna aage ke mahino ke liye bahut zyada zaruri hai. Ye change aaya hai kuch specific rates ke antargat. कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि कोविड के लिए यूज़ हुए थे तो उनमें कुछ एक्सटेंशन मिला है. फर्दर कुछ रिवर्स चार्ज के कंसर्न में चेंज आया है. तो उन सारे प्रॉस्पेक्ट्स को हम इस 30 मिनट के सेशंस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस रिस्पेक्टिव फील्ड से परचेजेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, तो आपके लिए इन सारी डिटेल्स को जानना बहुत ज़रूरी है. बींग अ प्रैक्टिशनर, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सी ए हो, सी एस हो, लॉयर हो, ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है, 9:30 PM होता है, आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है जिससे आप टाइमली बेसिस पे खुद को अपडेट रख सको. अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है, आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. लेटेस्ट अपडेट, इन्फॉर्मेटरी प्रॉस्पेक्ट्स, सारी डिटेल्स रिगार्डिंग द ग्राउंड ऑफ GST आपको टाइमली बेसिस पे मिलती है. शुरू से लेके आखिरी तक हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक होता है और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ पेनी सेकेंड हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. अब एज लाइक अगर स्क्रीन आपको कम्प्लीटली विजिबल है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया द एक्स्ट्रोऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 आया जो कि रिलीज हुआ था 30 सितंबर 2021 को, जिसके अंतर्गत बात करी गई कि भाई सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 के अंतर्गत कुछ ऐसे रेट्स स्पेसिफाइड है जिनमें चेंज किया गया है. मतलब चेंजेस कैसे, रेट्स में चेंज हो गया? नहीं, रेट्स हमारे वही स्पेसिफाइड है, 5%, 12%, 18% आपका और 28%. इन परसेंटेजेस को कंसिडर करते हुए कुछ ऐसी एंट्रीज है जिनको इंसर्ट किया गया है within this rates. अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा सकती हूँ, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल 1 2.5% यानी 5% के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट एंट्री इंसर्ट करी गई है, एंट्री नंबर 71A. ठीक है, एंट्री नंबर हमारी कौन सी है? एंट्री नंबर 71A है. बेसिकली इसका HSN कोड जो स्पेसिफाई किया गया है, दैट इज 1209. टेनमेंट सीट्स के कंसर्न में आई है ये इंपॉर्टेंट एंट्री, जो बताती है कि भाई देखिए, अगर आप टेमरेंट सीड्स यानी कि इमली के सीड्स यानी बीज के लिए आप सप्लाई करते हो, परचेज सेल की जाती है, तो उसको अब से 5% की रेट कैटेगरी में स्पेसिफाई कर दिया गया है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इट इज़ नॉट अ सोइंग सीड्स, वो सोइंग सीड्स नहीं होनी चाहिए. मतलब उस सीड्स का, उस इमली के बीजों का यूज खेती बाड़ी के लिए या बोने के लिए नहीं करना चाहिए. प्लांटेशन के लिए अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स अहेड, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक नई एंट्री और इंसर्ट हुई है 5% के अंतर्गत, एंट्री नंबर 186A, जिसका HSN कोड है 3826. बायोडीजल अगर आप सप्लाई कर रहे हैं किसको, OMCs को, जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है विद अ हाई स्पीड डीजल. ठीक है, अगर आप बायो ऑयल्स का सप्लाई कर रहे हो, दैट टू इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो. पहले क्या था, ये बायो डीजल सप्लाईज जो होती थी आपकी, जो आप करते थे बेसिकली OMCs को फॉर ब्लेंडिंग द हाई स्पीड डीजल, तो ये वाला जो कॉलम था, ये वाली जो एंट्री थी, वो 12% के अंतर्गत आती थी. अब उसे 12 से हटा के इसे 5% में ला के डाल दिया गया है, तो अब से ये एंट्री इंसर्ट हो गई है और इसका HSN कोड जो स्पेसिफाई किया गया है वो है 3826. इंपॉर्टेंटली शायद आपको ये दो एंट्री जो कि 5% वालों के अंदर आई है, अभी रिसेंट आई है, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है. अगर आप इस बायोडीजल ऑयल से कंसर्न में हैं, इस तरीके का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी था. अब रिट्रोस्पेक्टिवली आप देख पा रहे होंगे हमारा शेड्यूल 2, मतलब 6% वाला, यानी हम बात कर रहे हैं वहां पे ऐसी एंट्रीज की जो कि अब आएगी हमारे 12% की कैटेगरी में. 12% के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ एंट्रीज को एड ऑन किया गया है. जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो बायो ऑयल के कंसर्न में, बायो ऑयल. ठीक है,
जो कि आप सप्लाई करते थे टू OMCs को फॉर ब्लेंडिंग द हाई डीजल, हाई स्पीड डीजल के लिए. अगर आप बायो ऑयल का यूज कर रहे हो तो उसे 5% में डाला गया है. रेस्ट अगर किसी अदर प्रोस्पेक्ट के लिए बायोडीजल का यूज किया गया है तो वो आएगा आपके 12% की कैटेगरी में. यहाँ पे अदर देन बायोडीजल सप्लाई टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विद हाई स्पीड डीजल, अगर आप ये 5% वाली कैटेगरी में जिसको डाल दिया गया उसको छोड़ करके रेस्ट ऑफ द बायोडीजल अब आपका किस परसेंटेज में आएगा, 12% का रेट उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है. मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एंट्रीज आर ओमिटेड, ठीक है. 122 एंट्रीज रिलेटेड टू देयर टू शैल हैज बीन ओमिटेड. कुछ एंट्रीज हैं 127 से 132 की, ऐसी एंट्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अभी हटा दिया गया है. अब आफ्टर द सीरियल नंबर 201 दीज एंट्रीज रिलेटेड देयर टू फॉलोइंग सीरियल नंबर्स हैज बीन इंसर्टेड. कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जिनको इंसर्ट कर दिया गया है 12% वालों की कैटेगरी में. ये आता है आपका 201A का इंसर्शन हुआ है जो कि आपके चैप्टर नंबर रेफरेंस चैप्टर्स आपके 84, 85 एंड 94 होने वाले हैं. इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं इनका इंसर्शन हुआ है 12% की कैटेगरी में. जैसे हो गया आपका बायोगैस प्लांट, सोलर पावर बेस्ड आपकी डिवाइसेस हो गए, अगर सोलर पावर जनरेटर्स के कंसर्न में आपका बिजनेस डील कर रहा है, विंड मिल के कंसर्न में आपका बिजनेस है, विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हो आप, ठीक है, या किसी भी वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट डिवाइसेस है, सोलर लैंटर्न्स है, सोलर लैंप्स की सप्लाई आप करते हो, ठीक है, ओशन विंडर्स या ट्रेडर्स हो, इस तरीके की गुड्स अगर आपके पास हैं या इस तरीके की सप्लाई आप बिजनेस के कंसर्न में करते हैं, देन इन दैट केस सबसे जो टैक्सेबिलिटी आपको पढ़ने वाली है वाय नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 आपको 12% की कैटेगरी के अंदर उठा के डाल दिया गया है. अब जैसे कि कुछ एंट्रीज थी 205H से लेके 205H तक, इसको ओमिट कर दिया गया है, ठीक है. मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल 3 99% 18% की यहाँ पे आपको रेट जो स्पेसिफाई किया गया है उनमें भी कुछ नई एंट्रीज को इंसर्ट किया गया है. वो नई एंट्रीज इंसर्ट कैसे हुई है, जैसे 26C, आपको ध्यान रखना है कि भाई आप किस फील्ड से डील करते हैं. जैसे अगर आपका बिजनेस है आयरन ओर्स कॉन्सेंट्रेटर्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग द रोस्टेड आयरन के कंसर्न में अगर आप डीलिंग करते हैं, आपको पता होगा कि आप बिजनेस किस चीज का करते हो, ठीक है. अब जैसे आप जानते हैं कि कॉपर ओर्स एंड कंसेंट्रेटर्स का मेरा बिजनेस है, निकल ओर्स एंड कंसेंट्रेटर्स का मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो अब आपको पता है कि मेरा एंट्री नंबर क्या है और मेरा स्पेसिफिक HSN कोड क्या है. तो ये जो नई एंट्रीज आई है 26C, 26D, 26E, F, G, H, तो ये बेसिकली आपको एक तरीके से अगर आपका बिजनेस जिस क्लास का है उस क्लास में आपको इसको कंसर्न फॉर्म में रेफर करना है, उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है. अब जस्ट दीज काइंड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ माय बिजनेस तो मुझे इतने स्टक ऑफ होके नहीं याद रहेंगे, बट हाँ अगर आप एल्यूमिनियम ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेटर्स में डील करते हो तो आपको ये बात पता होगी मेरा HSN कोड 2606 है, एंट्री इज 26H, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्पेसिफाई कर लोगे विद इन द कैटेगरी ऑफ 18%. नाउ अब से 18% वाले में इन सभी लोगों को एड ऑन किया गया है एज अ न्यू एंट्री होल्डर, जिंक ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेटर्स, टिन ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेटर्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको टाइमली बेसिस पे पता होनी इम्पॉर्टेंट है. मोर ओवर इसमें कुछ इंसर्शन और हुए हैं लाइक 101A, जैसे कि जिसका HSN कोड है 3915, वेस्ट का है, ठीक है, स्क्रैप्स ऑफ प्लास्टिक्स का अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप इसी कैटेगरी में आओगे, आपको 18% का GST देना होगा, ठीक है. फ्यू एंट्रीज आर ऑल्सो बींग सब्सटीट्यूटेड, आप देख सकते हैं इसका HSN कोड क्या है, ठीक, जैसे कार्ट आपके हो गए, कार्टन हो गया, बॉक्सेस हो गए, ठीक है, केसेस हो गए, बैग्स हो गए, तो इन सारी चीजों से अगर आप डेल्ट ऑफ करते हो तो आप स्पेसिफिकली फॉल करोगे इन 18% वाली की कैटेगरी में. 18% वाले की कैटेगरी हमेशा ही वास्टिफाइड होती है इन नॉर्मल टर्म्स. ये बहुत लंबी सी लिस्ट हुई है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. I'll just go slow and I'll explain you each and everything. But importantly, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपने specific product से deal करते हो और ये details आपके पास हो available, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री नंबर 157A जिसका HSN कोड है 4906. अब ये आता है planes and drawings of आपके architectural के लिए हो गया, engineering के लिए हो गया, ठीक है, industrial commercials के लिए हो गया. तो अगर आप इन चीजों में इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो भी आप 18% में डील करते हैं, ठीक है.
अब जैसे ये हो गया आपके कार्ड्स के कंसर्न में, कार्ड्स, पिक्चर्स, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी के अंतर्गत अगर आप आते हो, बहुत से ऐसे पीपल्स होते हैं। अब आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कमर्शियल्स हैं, तो आप किस सेक्टर में आओगे? 18% की जीएसटी स्लैब्स के अंदर आपका फुटफॉल होगा। अब मूविंग टूवर्ड्स अहेड, हमारा लास्ट फोर्थ शेड्यूल जो स्पेसिफाई करता है 28% की जीएसटी के अंतर्गत, तो उसमें भी एक इंसर्शन हुआ है, आपको इंसर्ट करके दी गई है एंट्री 12B की, जिसका एचएसएन कोड यहाँ पे स्पेसिफाई करके बताया गया है 2202, ठीक है। कार्बोनेट ब्रीवरेजेस, आप जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो यूज करते हैं, कोक हो गई आपकी, या कोई कोल्ड कॉफीज हो गई, या कॉफी के कंसर्न में कुछ हो गया, फ्रूट ड्रिंक्स हो गया, या कार्बोनेट ब्रीवरेजेस विद द फ्रूट जूसेस हो गया, तो उनकी कैटेगरी अब से 28% की रखी गई है। एचएसएन कोड क्या स्पेसिफाई किया गया है 2202, एंड दैट टू, ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, विद इन इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2021 लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारी एंट्रीज जो है, ये सारी जो चेंजेस हुए हैं, जो इंसर्ट किए गए हैं, वो फ्रॉम 1st October 2021 एक्टिवली लाइव हो गए हैं। अब से आपको यही एचएसएन कोड यूज करने हैं इनके कंसर्न में, आपको इन्हीं एंट्रीज का यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे 5% वाले की हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, हम 12% वाले में है, या हम 18% वाले में है, या हम 28% वाले में है। अब मूविंग टूवर्ड्स अहेड, मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें भी दिखाना चाहूंगी। होपफुली स्क्रीन एवरीवन को विजिबल होगी, आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। अभी हमने देखा नोटिफिकेशन नंबर 8, अब हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 10 की, जो कि आया है 30 सितंबर 2021 को ही। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें बात करी गई है आपके रिवर्स चार्ज के कंसर्न में। अब रिवर्स चार्ज के कंसर्न में बात क्या करी गई, इसमें भी एक रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपको एक एंट्री इंसर्ट करके दी गई है। अब देखो लिखा क्या है, In the said notification, in the table after S number 3, the entries relating thereto, अब serial number दिया गया है, कुछ important entries insert करी गई हैं, जैसे 3A entry है insert करी गई है with its HSN code, following essential oils, other than those of citrus fruit namely, तो ऐसी कुछ entries add on करी गई हैं, जिसमें अगर आप deal करते हो, ऐसी कुछ एंट्रीज एड ऑन करी गई हैं जिनमें अगर आप डील करते हो और बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप इसमें डील करते हो और आपने परचेजेस करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, आई एम रिपीटिंग, आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, आरसीएम के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट एंट्री ऐड करी गई है 3A, ठीक है, जो कि एसेंशियल ऑयल के कंसर्न में है। पेपरमेंट ऑयल हो गया आपका, ठीक है, वाटरमेंट ऑयल हो गया, हॉर्समेंट ऑयल हो गया, ठीक है, बेगामेंट ऑयल हो गया, तो ये वो ऑयल है जिनमें अगर आप डील करते हैं बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और परचेजेस आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर रखी है, तो आपको टैक्स जमा करना होगा। यू कैन क्लेम योर क्रेडिट एंड देन आपको आरसीएम के अंतर्गत लिया जाएगा, उसमें कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, आपको टैक्स जमा करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी लोगों के लिए जो आरसीएम के कंसर्न में है। ये जो एंट्री है वो आ गई है फ्रॉम 1st October 2021 से, मतलब आज की डेट से ये अवेलेबिलिटी लागू हो चुकी है। तो जो भी लोग इन सर्विसेज में डील करते हैं, तो उन्हें आरसीएम का ये मैकेनिज्म पता होना जरूरी था, ठीक है, कि अब से अब आपको टैक्स आरसीएम का पे करना पड़ेगा, उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st October 2021, यानी कि आज का दिन। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अ इंपॉर्टेंट चेंज नोटिफिकेशन हम फर्दर एक डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 डेटेड 30 सितंबर 2021 को ही ये भी आ गया। अभी इसके अंदर क्या बात करी गई थी, होपफुली आप सभी को रिवाइज्ड होगा या इम्पोर्टेंटली ध्यान में होगा कि भाई कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन आई थी, पेंडेमिक की सिचुएशन के टाइम्स पे कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स थे जिनको डिपार्टमेंट ने 5% की रेटिंग दे दी थी, कि 5% का आपको रेट फिक्स कर दिया गया है।
अब इम्पोर्टेंटली इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये बात बताई गई कि भाई कुछ कोविड रिलेटेड ड्रग्स हैं, कुछ कोविड रिलेटेड मेडिसिन हैं, जिनको फिलहाल के लिए 5% की कैटेगरी में ही फिक्स रखा गया है. एंड दिस नोटिफिकेशन शैल केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021, यानी आज का दिन. एंड दैट टू ये इनकलकेटेडली लाइव रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा टिल 31st of December 2021. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स हैं जो कि बेसिकली ग्राउंड पे यूज होते हैं फॉर कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कोविड रिलेटेड मेडिसिंस. तो उन सब की जो एप्लीकेबिलिटी है, उन सब को जो लीनेंसी प्रोवाइड करी गई है विद 5% ऑफ रेट इंटरेस्ट, वो आपकी लागू हो गई है फ्रॉम 1st of October, मतलब आज के दिन से लेके 31st of December 2021 तक. सो गाइज, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में मैंने तीन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस को कवर किया है. नंबर वन इज नोटिफिकेशन नंबर 8, जिसके अंतर्गत आपको 5%, 12%, 18% और 28% के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज का एड ऑन किया गया है, ये जानना समझना इम्पोर्टेंट है उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जो रिलेटिवली इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. नंबर टू इज हमारा नोटिफिकेशन नंबर 10, जो बेसिक ग्राउंड पे RCM के कंसर्न में बात करता है. अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड से सप्लाई करिए तो भाई आपको टैक्सेबिलिटी आपको कलेक्ट फॉर्म में जमा करनी होगी, आप क्रेडिट बाद में उसका ले सकते हैं. ये एप्लीकेबिलिटी भी आ गई, तो आपको उस कंसर्न प्रोडक्ट्स में जिनमें आप डीलिंग करते हैं, वो जो एंट्री अभी रिसेंट ग्राउंड पे एड ऑन हुई है, उसका ध्यान रखना है. तीसरी चीज, कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए 5% के रेट पे कोविड की कुछ मेडिसिन हैं, कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको 5% की रेट कैटेगरी स्पेसिफाई करी गई है. तो उन 5% की कैटेगरी को अभी फिलहाल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है फ्रॉम 1st of October 2021 से लेके 31st of December 2021 तक का. सो गाइज, आई थिंक होपफुली आप सभी को ये सेशन क्लियर हो गया है. फॉर मोर रिसेंट अपडेट्स आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. मंडे टू फ्राइडे लाइव रहती हूँ 9:30 PM. GST के कंसर्न में जो बेसिक ग्राउंड्स की डिटेल होती है, जो ट्रेमेंडस चल रही होती है, उसकी अपडेट्स हर रात 9:30 बजे आपको मिल जाती है. इनकेस अगर आप उस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते तो उसके रिकॉर्डिंग्स, उसके रिकॉर्डेड सेशंस आप तक टाइमली बेसिस पे पहुंच जाते हैं. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू सो मच. एंड वंस मोर, आप अपने आप का ध्यान रखें. साथ ही GST मास्टर क्लास लाइव हो चुकी है फ्रॉम 1st अक्टूबर 2021. 24 दिन का एक ग्रैंड सेशन है जहाँ पे आप सीख सकते हो जीएसटी की प्रैक्टिकल रिटर्न्स की फाइलिंग कैसे करते हैं टिल इट्स सरेंडर वैल्यू. बेसिक से एडवांस सिखा रहे हैं, मिनिमल कॉस्टिंग है. अगर आपको इसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए है तो ऑफिस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7393977569. इट्स कंप्लीट ग्राउंड पे प्रैक्टिकल कोर्स ही होने वाला है. सैटरडे संडे ही खाली लीव रहता है. 2 आवर्स का ये ग्रैंड सेशन है, आपके लिए हाईली प्रोडक्टिव होने वाला है. चाहे आप अकाउंटेंट हो, स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिशनर हो या स्टार्टर ऑफ द जीएसटी है, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा स्कोप हो सकता है. सो गाइस, टिल देन, फॉर नाउ आई एम जस्ट लीविंग. कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू सो मच.